गुड इवनिंग इंडिया। गुड इवनिंग इंडिया के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। शुक्रवार का गुड इवनिंग इंडिया समर्पित है कला और संस्कृति जगत को। ये आईना है कला और संस्कृति जगत का। और इस शुक्रवार के अंक में हम आपके लिए लाते हैं नृत्य, संगीत, कला और रंगमंच की दुनिया की खबरें और मिलवाते हैं आपको इस दुनिया की नामचीन हस्तियों से। पर साथ ही समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को अदा करते हुए हम आपके लिए लाते हैं ऐसी भी खबरें जो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार द्वारा किए गए उन कार्यों के विषय में हैं जो समाज को एक बेहतर समाज बनाने में सहायक हैं। और इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है हमारा गुड इवनिंग इंडिया का अगला एपिसोड, जहां हम बात करेंगे सरकार की उन योजनाओं की जो हमारे और आपके जीवन को और कल्याणकारी बनाने में मददगार साबित होंगी। तो ज़रूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड और जानते हैं कि किस तरह से सरकार की ये योजनाएँ हमारे और आपके जीवन के लिए लाभदायक हैं। देखते हैं किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है इन योजनाओं का और किस तरह से ये योजनाएं हमारे लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जो कला, सौंदर्य, दक्षता और प्रतिभा की प्रतिमूर्ति है। जी हाँ, लय, ताल, पंजाब से अलंकृत, मैं कहूँ तो सम अलंकृत एक ऐसी हस्ती कथक नृत्यांगना मनीषा गुलियानी जी से। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं आपके जीवन के कुछ दृश्य। एक स्याही का निशान संवार सकता है आपकी तकदीर। ये निशान बनाता है समृद्ध देश की तस्वीर। स्याही का एक निशान करता है फैसला हम सबके भविष्य का। सिर्फ अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है ये निशान। आपकी ताकत है ये निशान। निर्भय होकर करें मतदान, जागरूक मतदाता, मजबूत लोकतंत्र। बातचीत की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे मनीषा जी के जीवन के कुछ अंश। पर दिल्ली वासियों के लिए खासकर हम आपको याद दिला दें कि 23 अप्रैल का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 23 अप्रैल को दिल्ली में है दिल्ली नगर निगम के चुनाव और हम सबको अपने मताधिकार का यूज़ करना है और हमें अपना मतदान देना है। चलिए बातचीत जारी रखेंगे मनीषा जी से। मनीषा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी नृत्य के परिवार से आती हैं, या फिर अगर नहीं आती तो इसका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? बिल्कुल जी नहीं, मैं किसी भी नृत्य परिवार से या सांगीतिक परिवार से नहीं हूँ। बचपन में जैसे सभी बच्चे डांस करते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम। और छोटी सी थी तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि मैं शायद अगर इसका ट्रेनिंग लूँ तो बेहतर कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा जयपुर कथक केंद्र में दाखिला दिलवाया। आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी। अच्छा। और जयपुर कथक केंद्र में मेरा कथक सीखने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और वहीं पर जो मेरे गुरु हैं पंडित गिरधारी महाराज जी, उनके सानिध्य में मैंने नृत्य को सीखा, उसको उसकी गहराई को समझा और फिर धीरे धीरे बटोरते हुए आगे बढ़ती चली गई। तो वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि डांस को ही मुझे अपना करियर बनाना है, मेरा जीवन डांस के लिए ही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियलाइजेशन मुझे बहुत बाद में हुआ है। मैं जब बचपन में डांस किया करती थी और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग होती गई और मौके मिलते गए, तो मुझे बहुत लोग कहा करते थे कि आप डांस के लिए बनी हैं और आपको डांस करना चाहिए। मुझे ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन जब लोग बोलते थे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, ओके फाइन, मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और वो मैं करती रही। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा कि यू आर मेंट फॉर, मतलब तुम्हें डांस के लिए बनी हो और तुम्हें डांस करना है एंड यू प्लीज़ कंटिन्यू। फिर मैं कंटिन्यू करती गई और कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा होता है कि आप किसी कला के पीछे आप उसको चेज़ करते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि अब आप उसको आगे लेके जाने वाले हैं या अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स, आई मीन मुझे कहना चाहिए शायद 4-5 साल या 6-7 साल पहले मुझे रियलाइजेशन हुआ
कि मैं डांस के लिए बनी हूँ और बस अभी इसी के साथ निभाना है। तो आपके लिए डांस क्या है? क्या सभी को डांस करना चाहिए? डांस तो सब करते हैं आप देखिए, यस ऑफ कोर्स, पर लोग ऐसा कहते हैं आई हैव गॉट टू लेफ्ट फीट आई कांट डांस। देखिए डांस अगर हम सिर्फ बॉडी स्पेसिफिक सोचे तो डांस एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट है, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स, सन मून, सब कुछ एक फिक्स्ड गति में सब नृत्य कर रहे हैं, प्रकृति नृत्य कर रही है, हम इतने सारे मूवमेंट्स करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वी ऑल आर डांसिंग। तो मुझे लगता है डांसर्स तो हम सब हैं, लेकिन जब हम उसे एक कोई स्पेसिफिक यू नो स्ट्रक्चर रूप दे देते हैं तब हम उसे कहते हैं डांस। सो आई गेस वी ऑल आर डांसर्स, इट्स जस्ट दैट कि हम थोड़ा सा उसको पॉलिश्ड वे में, रिफाइंड वे में अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा उसको प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज आई गेस डांस इज एवरीवेयर। तो कला और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है आपके अपने शब्दों में? फॉर मी कला और आध्यात्मिकता, मैं जितना समझती हूँ आध्यात्मिकता मेरे लिए है टू डिस्कवर योर इनर सेल्फ, और मुझे लगता है कि डांस एक ऐसी कला है जिसमें आप अपने नाखून से लेके बाल से लेके शरीर के हर अंग को डिस्कवर करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और उसका सीधा ताल्लुक होता है आपके इनर सेल्फ से। तो आप जितना डांस में आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्पेशली क्लासिकल आर्ट्स में, क्योंकि हमारा इंडियन क्लासिकल आर्ट तो है ही आध्यात्मिकता उसका बेस है, टेम्पल आर्ट्स रहा है, तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जब मैं नृत्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ कहीं किसी सुप्रीम पावर से, एंड इट्स अ फैक्ट, तो दैट्स द ब्यूटी एंड इट्स वेरी वेरी वेल कनेक्टेड। आप योग और मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये किसी तरह से हेल्पफुल है आपके डांस में या आपके डांस को और इम्प्रूव करने में? आई गेस येस एब्सोल्युटली, आपको क्योंकि देखिए मैं कथक करती हूँ और हर डांस के अपने बहुत सारे आयाम हैं, तो बीइंग अ कथक डांसर, जैसे कथक डांस जो है वो टू डायमेंशनल है, इट्स नॉट थ्री डायमेंशनल, तो बीइंग अ डांसर जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान बना देता है अपनी कला का साथ निभाने के लिए। फॉर मी ये मेरे लिए बरसों से चल रहा है तो मेरी आदत बन चुका है, तो आई गेस यस इट मेक्स यू अ बेटर डांसर एंड अ बेटर पर्सन ऑफ कोर्स। हम आपके नृत्य के सफ़र की अगर बात करें तो क्या इस सफ़र में कहीं उतार चढ़ाव भी आए? बहुत सारे, हाँ जी बिल्कुल, कहीं ऐसा भी लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब डांस मैंने फॉर्चुनेटली मेरा कभी ब्रेक नहीं हुआ, मैंने हमेशा इसे कंटिन्यू करा है, और आई गेस डांसर एज अ डांसर आप मेंटेन तभी कर पाते हैं जब आप कॉन्स्टेंट बने रहते हैं या कंसिस्टेंसी रहती है आप में। मेरा जब बेटा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी एंड आई वॉज ऑलमोस्ट 82 kgs एट दैट टाइम, तो मुझे लगा था कि अब तो डांस संभव नहीं है बिल्कुल भी, और अचानक से मेरे जो गुरु जी हैं उनका मेरे पास फ़ोन कॉल आया कि मनीषा तुम्हें इस समारोह में परफॉर्म करना है जो एक महीने बाद है, तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे देखा नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इतनी मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया होगा या मेरी इतनी बुरी हालत होगी, तो ही सेड यू जस्ट कम, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, फाइनलाइज कर दिया है, एंड यू हैव टू डू इट। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन पहुंच गई रियाज के लिए, जब वहाँ गई तो वो मुझे देख के चौंक गए एंड ही सेड तुम एक काम करो, तुम बस 15 दिन रियाज करो और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, एंड आफ्टर दैट आई गेस आफ्टर दोज 30 days आई वॉज बैक टू माई ओरिजिनल शेप इन 30 days। जी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6-6 घंटे रोज़ रियाज करवाया है, और उसके बाद से फिर जो शुरू हुआ वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, एंड आई गेस इसका पूरा सपोर्ट जाता है मेरी फैमिली को जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है और सपोर्ट किया है दैट यू जस्ट कैरी ऑन एंड वी आर देयर फॉर यू। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब वो अपना करियर अपने घर के लिए, अपने गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं त्याग देती है, बिल्कुल, या नहीं आगे परस्यू कर पाती, तो एक स्त्री के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपना पहचान बनाए? देखिए आई गेस इट्स वेरी, ये बहुत ही मुझे लगता है सब्जेक्टिव है, क्योंकि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और आपके अपने एम्बिशंस होते हैं, कई लोगों को सिर्फ अपने घर गृहस्थी में ही सुख मिलता है, कई को अपने कला में सुख मिलता है, सो फॉर मी
मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको सुख मिलता है और जहाँ आप खींचे चले जाते हैं, लाइक मैं खुद बहुत, मुझे बहुत घर में रहना पसंद है, गृहस्थी बहुत पसंद है, तो उसके साथ बैलेंस करना, अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को सेट करना और कला के साथ पूरा न्याय करना, जो बहुत मुश्किल होता है और लोगों को उस स्टेज पे जाके डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि वो शायद उसको आगे कंटिन्यू करते हैं या उसका साथ छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ चैलेंज ईच एंड एवरी टाइम कि आप कैसे उसके साथ आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं। आपने नेशनल और इंटरनेशनल कई स्टेजेस पे अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको जब भी आप सोचती हैं तो आपका मन आह्लादित हो जाता है? यस, आई रिमेम्बर देयर वाज अ परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड में मैं परफॉर्म कर रही थी और हम लोग एक सूफी प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस दौरान जब मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो ऑडियंस जो थी वो 10 मिनट तक परफॉर्मेंस के बाद चुपचाप बैठी हुई थी। आई मीन इट वॉज ऑल प्योर साइलेंस, नथिंग एल्स। मैं स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करके बैठी थी और पूरा ऑडियंस बैठी हुई थी एंड 10 मिनट्स तक इट वॉज कम्प्लीट साइलेंस। तो वो एक डिवाइन सक्सेस जब किसी परफॉर्मेंस का होता है तो मुझे उस दिन वो एहसास हुआ था, क्योंकि उन्होंने बाद में जो उनके रिव्यूज़ आए उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कॉम्पोजिशंस पे परफॉर्म किया उन्हें कुछ समझ नहीं आया लिरिक्स, बट दे कुड फील उसका जो एसेंस था वो उसको महसूस कर सकते थे एंड देवर इन टीयर्स। सो आई गेस दैट्स वेरी, मेरे लिए वो बहुत ही क्लोज है और मुझे लगता है कि डांस के लिए जो कहा जाता है कि वो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कि आप बिना कुछ कहे अपना दिल सामने वाले को तक आप पहुँचा देते हैं, तो मैंने वो उस दिन वहाँ महसूस किया और साक्षात उसको, उसका प्रमाण देखा। तो जैसे कहा जाता है कि डांसर्स आर ऑफन इन सिंक विद द क्रिएशन, आप मानती हैं इस बात को? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस, स्पेशली इंडियन, हमारा इंडियन क्लासिकल डांस या कथक, क्योंकि ये पूरी तरह से समय पर आधारित है, ताल और लय के साथ हम चलते हैं जिसमें पूरी प्रकृति उसी प्रकार से उसका नियम है, तो यस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक अच्छे डांसर की किसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं या किस तरह से रियाज करना होता है? मुझे लगता है कि समय के साथ आप खुद एक्सप्लोर करते हैं। शुरू में तो आपके जो भी गुरु हैं, क्योंकि एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, उनके आप शरण में आप सीखते जाते हैं और वो जैसे जैसे आपको टेक्निकली गाइड करते हैं आप वो फॉलो करते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं खुद एज एन आर्टिस्ट और एज अ डांसर, तो आपको खुद, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबका अंग अलग है, तो सबके रियाज करने का तरीका भी अलग है, तो आप उसको खुद एक्सप्लोर करते हैं कि आपको कहाँ कैसे जाना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है। सो अगेन आई गेस इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आप कैसे करते हैं, बट यस आपको रेगुलर होना होता है, कॉन्स्टेंट होना होता है, उसकी जो पकड़ है उसका ध्यान रखना होता है और स्पेशली कथक में फुटवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो उसका रियाज बहुत ज़रूरी है। अब आप कथक के इस क्षेत्र में कई सालों से जुड़ी हुई हैं और आप इस पर काम कर रही हैं, तो कैसे बदलाव आए हैं, क्या आप कोई बदलाव देखती हैं जो कथक का जो स्टेज है, मतलब उस डांस का जो फॉर्म है उसमें, या फिर जिस तरह से लोग उसे ग्रहण करते हैं उसमें क्या आप कोई बदलाव देखती हैं? देखिए, इट्स अ क्लासिकल आर्ट और कथक हमेशा से ही, जब कुछ कुछ क्लासिकल है तो उसमें परंपराओं में ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं। वो पहले मंदिरों से मुगल काल में आया, दरबारों में आया, दरबारों से ब्रिटिशर्स ने उसको एक अलग रंग दिया, फिर अब वो मंचीय कला है। तो परिवर्तन तो मुझे लगता है संसार का भी नियम है और किसी भी क्लासिकल आर्ट की खूबसूरती भी उसी के साथ आगे बनती है। तो मुझे यस ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और कथक की खास बात है उसका उपज अंग, इम्प्रोवाइजेशन। आप उसमें जितना जितना ज़्यादा वो असीमित है उसमें उतने ही विस्तार की संभावना है, तो सब अपने विचार को उसमें जोड़ते चले जाते हैं और उसको एक नई दिशा और एक नया आयाम देते चले जाते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी। आप जितने कथक डांसर्स को देखेंगे आप देखेंगे कि हर कोई अलग है और हर किसी में अपना खुद का एक रंग है और उसकी खूबसूरती है। आपने कई नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पे परफॉर्म किया है और कई आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में सफलता की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है सफलता, आपको जब अच्छा लगता है कि आप कला के साथ पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं तो आप सफल हैं। जब आपके गुरु आपके साथ संतुष्ट हैं
आप जो कर रहे हैं तो आप सफल हैं, क्योंकि ऑडियंस में तो आपको हर तरह के रसिक, हर तरह के लोग मिलेंगे, बट वेन यू आर सेटिस्फाइड एज अ डांसर एंड योर गुरु इज सेटिस्फाइड, देन आई गेस यू आर सक्सीडेड. अगर आप कवित्व भाव को प्रदर्शित करके दिखा सके कुछ मुद्राओं जी, के माध्यम से हमारे जयपुर घराने का बहुत खास अंग है और एक छोटा सा है और मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो करती हूँ. धाधिन धिंदा धाधिन धिंदा तिन तिनता धाधिन ठुमक चलक गति रुनक झुनक पद चाप चपल चंचल चपलासी हाव भाव दृग भौ कमा हर कर प्रहार कर पकर प्रीत की रीत लिए कति रुनक झुनक ध्वनि चमक चमक छन छन छूम छूम छन नन घूम घूम छन तिगदा दिग दिग थे 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 तत्ता. वाह क्या बात है, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बातचीत होगी और आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आई हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सत्यप्रिया जी, थैंक यू. कला जहाँ एक ओर मनोरंजन का साधन है, स्वयं का मनोरंजन और दूसरे के मनोरंजन का, वहीं दूसरी ओर कला का एक बहुत अभिन्न अंग है समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का. जी हाँ, कला का समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करने में और समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लड़ाई करने में. जी हाँ, इसी भाव से हाल ही में आयोजन हुआ नुक्कड़ नाटक का जज्बा थिएटर ग्रुप के द्वारा. आइए देखते हैं इसके कुछ अंश जो हम तक ला रही हैं मेरी सहयोगी नीति शुक्ला. नमस्कार, मैं हूं नीति और इस वक्त हम दूरदर्शन की पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के एमपी थिएटर में, जहां पर जज्बा थिएटर ग्रुप द्वारा सागर नागपाल मेमोरियल नुक्कड़ नाटक कंपटीशन आयोजित किया गया है. कुल 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हर टीम एक अलग सामाजिक मुद्दे पर खुद को अभिव्यक्त करने वाली है. देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आज का युवा वर्ग सामाजिक मुद्दों पर क्या सोचता है और कैसे खुद को अभिव्यक्त करता है. इसके साथ ही इस सदी के महान नायक ओमपुरी साहब, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी. थिएटर में उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा. तो आइए हम भी इनकी हौसला अफजाई करते हैं. सभी लोगों को चेतावनी देते हैं कि जिन्होंने भी हाथों में पत्थर लिए वो आतंकवादी करार किए जाएंगे और इसीलिए सभी लोग अपना परमिट लेके अस्पताल की ओर चले. बुलाए जाने पे एक एक करके ये हमारा सागर नागपाल नुक्कड़ नाटक कंपटीशन है जो पिछले 7 साल से चल रहा है. दिस इज़ अ 7th एडिशन. 6 साल पहले हमने इसकी शुरुआत करी थी और ये 7वां साल है, और जो कि जैसे कि नाम में ही टाइटल है सागर नागपाल मेमोरियल. तो हमारे ग्रुप का ही एक मेंबर था सागर नागपाल, ड्यू टू सम डिजीज़ वो अभी हमारे बीच नहीं है, तो उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए, साथ ही साथ एक थिएटर आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए और सभी थिएटर आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने एक कंपटीशन रखा है उनकी याद में. हमारे को 7 साल हो गए ये इवेंट करते हुए. यहाँ पे बहुत सी डीयू की टीम्स आई हुई हैं. पहले 40 टीमों की एंट्री थी और आज 12 टीम परफॉर्म करने जा रही हैं, जो कि डीयू की बहुत अच्छी टीम्स हैं. जैसे कि हम लोग आजकल नुक्कड़ नाटक करते हैं, इससे नुक्कड़ नाटक से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी मिलती है और बहुत ही आसानी से हम लोगों को बता सकते हैं अपनी
जो हमारे विचार होते हैं वो हम लोग वहाँ तक उन तक पहुँचा सकते हैं। आज से 10 साल पहले जब ये ग्रुप शुरू किया गया तो उसका मकसद यही था जो आज आप पीछे देख रहे हैं, नए लोगों को, यंगस्टर्स को, नौजवानों को, नए टैलेंट को मौका मिले नए नए नाटक करने का, नए नए प्लेटफॉर्म्स पे नाटक करने का। और आज 10 साल बाद हम लोग यहाँ पर इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज हमारे साथ यहाँ पर 12 से 13 टीम्स परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की, जिसमें से 15 से 20 हर टीम में यूथ है, नया टैलेंट है जो परफॉर्म कर रहा है। जज्बा थिएटर ग्रुप का हमेशा से यही मकसद रहा है कि नए टैलेंट को प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, वो परफॉर्म करें। और ये जो प्रोग्राम आज हमने कर रहे हैं यहाँ पीछे, आज इस प्रोग्राम को 7 साल हो गए हैं। ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया, इसका उद्देश्य यही था कि हमारा एक साथी, हमारा एक दोस्त जो 7 साल पहले हमारे को छोड़कर चला गया, उसके नाम पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया, सागर नागपाल। और यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि उसी तरह के, उसी एज ग्रुप के यूथ, उसी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हम इन सभी बच्चों में, इन सभी लोगों में कहीं ना कहीं अपने सागर को ढूंढते हैं। और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी है। कौन है ये बच्चे? क्या ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में बम और बंदूकें हैं, या वो बच्चे जिनके सर पे ये बंदूकें तानी जाती हैं? क्या ये वो बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, जिनके सर से उनके माँ बाप का साया तक उठ चुका? बात यहाँ से कश्मीर, असम, मणिपुर या झारखंड की नहीं। वी हैव 15 स्टेट्स इन अ कंट्री वेयर चिल्ड्रन ऑफ वॉर एग्जिस्ट। आवर नेशन इज ब्लीडिंग। निकालो इन्हें भाई Hansen's dead body. Hansen! No! He was involved in militant activities. He was shot in a crossfiring at the insurgent camp. They're lying! He was only 16. He was not involved in anything. He was a militant, not a martyr. ये थी प्रस्तुति जज्बा थिएटर ग्रुप द्वारा आयोजित सागर नागपाल मेमोरियल नुक्कड़ नाटक कंपटीशन की। यहाँ पर युवाओं का जोश भी था, क्रिएटिविटी भी थी और एंटरटेनमेंट भी। आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आपको दूरदर्शन के स्टूडियो वापस लेकर चलते हैं। इस प्रस्तुति के बाद अब समय है आपसे मिलवाने का जानी मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका जी से, जिन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से बुटीक से की, मगर आज उनके डिजाइन्स पूरे विश्व में विख्यात हैं। इनसे बात कर रही हैं मेरी सहयोगी प्रीति वाधवा। Indian fashion has grown leaps and bounds. Indian fashion has reached abroad and it's very well appreciated and acknowledged. People are craving for more. There are few names, few pioneering designers who have made it possible. One of them is called Goddess of Oomph of Indian Fashion, also the member of PhD Chamber of Commerce. Yes, you guessed it right. I am talking about Reena Dhaka. Welcome, Reena, on our show. Thank you so much. We all will love to know that how your journey started and what inspired you to be a fashion designer. It's so, looking back, it's 2 decades old. And my journey started as a young girl, exactly like any other girl today.
And it was late 80s when I must have graduated from school, because we didn't have, I was studied in Punjab, so I did my graduation by correspondence. I took on a fashion course then at a polytechnic. That was all we had. And so I came on actually in the scene younger, which I didn't realize will become an advantage. And at that point, when you're so young, all you do is laugh, giggle, want to get dressed and have fun. And that's really what my life was, having fun. And I was very hyperactive, very imaginative. So this seemed to be a place which found its way for my career eventually. And from there, I went on to do NIFT. I did other short courses in London and FIT. And I went on to work at Intercraft, then a very big export house. It really made me understand the hell and the horrors of hard work behind the scenes in the trade of clothing and fashion. And somehow it's like being in Hell's Kitchen, and I'm still there. There are great joys and great moments, but there's also great stress and tension always. There are always fires to be put out. And from then till now, I'm still there. So, Reena, you are at the epitome of fashion industry for over two decades. How does it feel? So, I've seen the fashion in India come through. We only had the late Rohit Khosla, who was very helpful, a young hero of ours, to tell us about fashion. And he really helped me also. So, from him, we began to... There was Bombay and Delhi were one then. There was not such a big divide. Between Air India tickets, and that was Air India then. No, Indian Airlines tickets to Mumbai, or being on those planes every day. It was a good life. We lived from one fashion show to another. And that's all my goal and pursuit was. There was no concept of money, economics, trade. And the customers supported us. They followed wherever we went. So how important it is to participate in the fashion weeks? So when I, with a handful of few designers, founded FDCI, which is called the Fashion Designers Council of India, I had no idea that the samosa and the tea 6 o'clock collaborations of 5 to 6 designers will result in something so big. Today, it's a very big enterprise. As you know, it attracts funding, it has great fashion shows, and it attracts buyers from all over the world. And it's very important for a designer to be a part of it. At that point, we did not have a split between Delhi, Mumbai. So eventually, Lakme, who was then our earlier partner, went on to stay on with Mumbai. And we have now got Amazon, another big conglomerate of the world, to be our partner. Recently, Amazon Fashion Week took place. So, tell us something about that. So, as you know, we work 6 months ahead of a collection. So, all these fashion weeks are showing lines which are for the next 6 months. So, we were showing technically winter 2017. With your new collection, you come up with new concepts. So does it take long time to plan out those concepts? That's what I said. It's like being in Hell's Kitchen. So this is what keeps us there. The craft, you know, the learning, the research, the newness, trying to evolve from your last season to your next season. In a world full of so much talent, how do you keep inventing? You know, like the Lycra Churidar I invented in the 90s became common. Today, all of you get to wear it. You get it off a cart, a ready, you know that. Now you can get a good one. So at some point, I really only invented it because I was getting married myself. And I found the churidar was higher than me, and I used to make cat suits. So I just said, let me grow the leg.
and it became the Lycra Churidar. And then similarly, we have to keep inventing every now and then. That time there was not so many of us. Now there is a pool of talent. There are new things we're creating in the world at some point in somebody's atelier or studio, always. So in that humbug, you try and make your own place. It is a lot of work. How you balance between work and your home? Let's just say there is no such thing as balance. I think it's an imbalance in life. I mean, when women tell me that they are working and they have that everything is perfect, I don't think so. I think there is pain in that for both you and your family members. You always have it. Like when you travel, your little children are left behind. They look for their mom. Then they grow up. They don't look for their mom because they found their way in the time you've been gone, you know. And whether it's the work is always needing you. You don't want to sound unprofessional because your contemporaries are not going to give way to patience. This should not be an excuse. That hell, I've got now rituals to perform at home, I've got puja, my kid is not well, the dog is ill, husband needs you. No, so if your customer needs a delivery and you're late, you have to find a way out of it. And then, of course, there is the marriage where the husband will, of course, have issues. Though I must say he was very supportive in my case. Over the period of time, like we see the same Reena Dhaka. You look the same the way you were earlier. So what is the secret behind your beautiful skin and your youthfulness? I don't have any beauty in me, but I just feel the less you fuss, the better you are. So I don't have so much time on hands. And I'm grateful for you for complimenting me. But when I look back at my pictures in my 20s, I look very different to what I am now. And I think what keeps me going is, you know, I chant. I also believe that one must do it, some kind of meditation. And it has helped me immensely. Otherwise, it was very hard for me to work at the energy I was working at and yet to have what you call the balance, the very important balance. Otherwise, you cannot be at peace. You cannot really work, you know, if your home and hearth aren't happy or at peace or secure. So for all that, yes, I meditate, I chant every day. It really helps me. Your dresses are popular with all age groups. So is it different in India and abroad? You know, I've seen my personal experience of dealing with Asian women, especially India and abroad. Yes, I've seen differences in cities also. So in Mumbai, I find them wanting more. There are two cultures. One is a very conservative culture we work with, and the other is a very, very who will wear your experiments and be happy about it. So they're both the cultures. In Delhi, it's more of something somebody wore and looked great in, and they want to look a bit like that sometimes. You know, it's a bit of a, I want to look like that. And London, I found plus sizes like to wear fashion. I think that's very exciting. It's a very good city for me to use as an example, my customer, for my other customers, because there they are not afraid of, they want to wear the trends. They're not looking at their size. I find a lot of times in Delhi, people say this is only for someone very thin. It's not true. Something will look good on plus size, will also look good on you. Just give it a try. So we're very reluctant to change. In London, I found them very good with that. And in Americas, the customers we got were very traditional. And in the Asian section. In Dubai, you get both, whether it's conservative and yet a non-conservative. You get bit
You are one of the favorite designers of publication houses. So what do you think? It's an advantage? See, I'm telling you, today everything is set by everything which was something we did ourselves. Today has become an institute. So you have now what are called press relations, and you have PR people, then you have stylists, and they are all professionals, and they have demarcated that bridge, which is at one time we were very direct in contact with all the publications and fashion houses, ring up the phone and the editor is your friend or is your contemporary, and you worked with them a lot over time. But today they're used to a whole, it's a world, it's a new world of teams, of talent, and it's being run by them today. Okay, I agree. Could you please tell us about all the accolades you have received so far? Wow. I don't know if accolades help in a life, but yes, sometimes I forget. I have a tree in my name, so I like to save paper that I like as my accolade. I also won the Miami Fashion Week as an Indian designer, because they've never had an Indian before, 2004. And I'm not so into competitions, but yes, I did get that. Then I've got some Bharat Yuv Ratan Award. I also have the Delhi State Entrepreneur Award for women. And I've got a lot of these felicitations. I can't remember these Women Achiever Award. And I'm off tomorrow, in fact, to Fiki, because on the invitation of a Mrs. Day for in Assam to facilitate, to get an award myself and to facilitate other women. Wow, that's very exciting. So how did it feel displaying your collection at Louvre Paris? The Louvre is beautiful. It's we never did it again. And the Elle Paris even magazine covered me. And it was very nice also to have done Galeries Lafayette. I remember getting all the show windows because they did an India promotion. And Francis Bugziarg, he was an India lover and a Frenchman who has lived in India. And I think I'm so glad I did it, because I spent a lot of time with him. And he really helped create craft and art in India. Wow. And you were also bestseller at a Bollywood promotion at Selfridges. Oh, Selfridges, yes. We had Mr. Bachchan win that year, the man of the year for the whole world, wherein he beat Marlon Brando. He beat Mahatma Gandhi, and he won Man of the Year. And so at the promotion of Selfridges in London, we had a press conference with all the British media. And of course, everybody only talked to him. And it was really nice to be a part of that. And gala party. And the friend who was my friend, I've not really been in touch, a very, very important man in fashion and big visionary called Vittorio Radici. He was then the CEO of Selfridges, who helped put this together. You have a lot of celebrities, you dress them up. So would you like to say something for that? How does it feel? Well, I've been very lucky that these gorgeous, gorgeous women, from Aishwarya to Katrina to they were models. I would have never known them otherwise. And Deepika, who was in school, she was in class 11th. And I remember sitting with her mother and her father and her younger sister, waiting for her to finish her shows so we could do a program together while she was a model. And later, of course, I've had the luck of working with her when she's a international superstar today. Most of these girls are gorgeous. And today what is very nice is how easygoing they are. They know so much air and drama about them, and very easy to communicate with them, because the industry, they've got used, there's no more that stardom which isolates them truly, because there's the bridge between the stylists, the makeup teams, the hair teams. There are always people around them like us. So there is that communication which doesn't, you know, because they get paralyzed with the mobs. So that frightens them. And I feel as a result of it, they sort of isolate themselves. And today they're a little more communicative. So it's much easier. What is the big trend this season? And can you suggest something to all people out there for summer do's and don'ts? Okay, so the big trend for summer is to wear color and long gowns, the maxis, as much as you can. And in Indian fashion, you know, everything works. The contrast, everything works. Literally, just take it as long as it's summer.
and you're wearing it differently. The dupatta, the no dupatta, the long kurta with the wide leg, the pant is so experimental in the trends. And the kurta also has got now these A-line puchhars. I call them puchhar to the masterjis. I say puchhar laga do usse. So they understand it. Basically, they are bias cut, effects we give. Handkerchief cuts. Yeah. And they're not predictable. You can give a cowl to them. So even the men are wearing it now. That's great. So which international celebrity you would like to dress up? I was very lucky. I managed to dress up two very good important women in fashion and in the world. One was Uma Thurman and the other was Naomi Campbell. I really enjoyed having known them at that point. And Naomi's been very kind, always remembers me. And if you contact her, we'll try to acknowledge that despite her schedules. Modern life, of course. I even sent a sari once to Madonna, but I don't have a picture of it, so I can't stake claim to it. Tell us something about your latest collection. The collection we showed in fall was called Dark Romanticism. And we tried to show decayed backgrounds, very treated with technique, to look old, to look used, whether they were superimposed stripes with charcoal-like colorations and dye effects. And then we had digital printing with three-dimensional flowers embroidered on it. And the silhouettes were very rectangular and layered. And for my high summer in Indian, we are trying a little bit of the off-shoulder edging, lot of lace, lot of pin tucks, detailing like that, yet very simple styling. So I'm trying, and there is of course the skirt, which is still a big trend. In the near future, do we see more of your boutiques abroad? I hope so, but the more important thing is to deliver. And what I would personally like to do is to go more into the craft belt of India and try to bring that work via, whether it's sites like Amazon or anywhere where we can push them for a bigger audience, where the anywhere on world will have them, frankly. But I want to bring my tendencies, my thoughts, my versions of fashion, and distribute it via well-distributed channels rather than try and be an entrepreneur myself. I'm happier being behind the scenes in terms of the kitchen part of it, of fashion. But yeah, I like the part of journeying into fashion. You are inspiration of so many women. So would you like to give some message for our women? Health, very important. Very important to be healthy and to be able to be, and to not to be, not to think we cannot do it. Whatever our circumstances, we can. And however hard it is, no work is low enough. And it's always good to have some financial liquidity, any which way, any amount. That's a beautiful message. And in the end, I would like to say women like you is a treasure for India and fashion industry. So people out there, you better respect women. Thank you, Reena, for coming over on our show. Thank you so much. तेईस अप्रैल का दिन दिल्ली वासियों के लिए बेहद खास है. जी हाँ, क्योंकि वो दिन है मतदान का दिन. और मतदान लोकतंत्र के उत्सव से कम नहीं. ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपना मतदान 23 अप्रैल को जरूर दें. India, the Republic, world's largest democracy, 1.27 billion plus population, where every individual matters. Just one vote can make a huge difference. It's not just your right, it is your duty. So vote and decide the future of India. हम आपके लिए ला रहे हैं एक अद्भुत प्रस्तुति, एक ऐसी अद्भुत जुगलबंदी जो हिंदुस्तानी शैली में जुगलबंदी है मृदंगम और ललित वीणा की. यह प्रस्तुति है पद्मश्री मृदंग चक्रवर्ती श्री टी के मूर्ति जी के द्वारा और ललित वीणा शिरोमणि आचार्य एल आर विश्वनाथ जी के द्वारा. तो चलिए आनंद लेते हैं इस अलौकिक प्रस्तुति का. Thank
निश्चय ही मन को प्रफुल्लित करने वाली थी यह प्रस्तुति। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें भेजें हमारे ईमेल आईडी पर, जो है goodeveningindiafriday@gmail.com। हमें आपके सुझावों का, आपके फीडबैक और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। साथ ही हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा गुड इवनिंग इंडिया का अगला अंक बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम अपने अगले अंक में एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही समाज की कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल इंद्रधनुष की। जी हाँ, अगर इस विषय में भी आपके कोई सुझाव हैं, आपकी कोई प्रतिक्रियाएं हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखें। एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindiafriday@gmail.com। साथ ही दिल्ली वासियों से एक बार फिर अनुरोध है कि 23 अप्रैल को अपना मतदान अवश्य डालें, क्योंकि मतदान हम सब का कर्तव्य है और मतदान है लोकतंत्र की शक्ति। विश्व की सबसे प्राचीन और विस्तृत प्रणाली भारतीय लोकतंत्र प्रणाली। भारत का गौरव, भारत का उत्थान, भारत की पहचान लोकतंत्र। वोट से ही ताकतवर होता है लोकतंत्र, वोट से ही बनती है आपकी सरकार। लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता जागरूक मतदाता। लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता जागरूक मतदाता। जी हाँ, सभी दिल्ली वासियों को 23 अप्रैल को वोट करना है, बिकॉज वोटिंग इज नॉट ओनली आर राइट बट ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ, इसी कामना के साथ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबको ईश्वर स्वास्थ्य और ऐश्वर्य प्रदान करे। नमस्कार।